नमस्ते, मैं पुनीत शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सेवा संस्थान से। आज हम कोविड के बारे में बेसिक इन्वेस्टिगेशन और जो बेसिक नॉलेज उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जो कोविड है जो 2019 में हुआ था या जो 2021 में, उसमें एक बेसिक डिफेंस है जो है आरएनए और डीएनए का खेल है। आरएनए जो 2019 में हुआ था वो आरएनए मैन्युफैक्चरिंग था जो न्यूली आया था। अभी जो 2021 में आरएनए चल रहा था वो जो ओल्ड एज वाले पर्सन थे, जो 48-45 से अब होते उनमें जो ज़्यादा हो रहा था। बट अभी जो न्यूली कोविड चल रहा है वो अपने न्यू एज वालों को भी इफेक्टिव कर रहा है, जिसमें लंग्स डैमेज होना मोस्ट हो रहा है। कोविड के बारे में अपन जो सरकार की गाइडलाइन आ रही है, सरकार की गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहनें, हाथों को बार बार धोएं, ये अपन को तो करना ही है। पर साथ के साथ अपन को जो न्यूली कोविड आया उसके लिए अपन को है ना लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए अपन ये वीडियो बनाया है। फर्स्टली अपन सुबह जब मॉर्निंग में उठे अपन, तो सुबह भूखे पेट अपन को गर्म पानी पीना है, गर्म पानी से गरारे करने हैं। इससे क्या होगा कि अपन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, डाइजेस्ट सिस्टम अपना अच्छे से चलेगा, अपन जो भी खाना ले रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। उससे अपन को क्या होगा कि अपन का इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा, ताकि अपन किसी बीमारी जो भी होता है, कोविड होता है या बेसिक वायरस होता है, उससे अपन प्रोटेक्टिव हो। दूसरी अपन को क्या करना है, मोस्टली ये काम करना है कि ये जो स्टीम इनहेलर होता है मार्केट में मिल जाता है 150 से 200 रुपये में, तो वो लो। अगर वो अपन अवेलेबल नहीं है रहा तो अपन क्या गर्म पानी में है ना स्टीम करो पानी को, और स्टीम करके उस पानी को अपन एक कपड़ा लेके उस कपड़े को अपने मुंह को ढक के और उस स्टीम को अपने अंदर इनहेल करना है। उससे क्या होगा कि अपन जो भी गर्म स्टीम लेंगे उससे अपने लंग्स के अंदर, एल्वोलीज के अंदर जो भी एल्वोलीज कोलेप्स हो चुकी है उसको अपन डायलेट करने का अपन एक चांस देंगे। कोविड के अंदर क्या होता है, जो एल्वोलीज पे इफेक्ट करता है कोविड वायरस है, जो एल्वोलीज को कोलेप्स करने का काम करती है, अपन स्टीम से क्या करेंगे उसको डायलेटेड कर देंगे, ताकि अपन का लंग्स वापस इम्प्रूवमेंट करेगा और लंग्स इम्प्रूवमेंट होने के बाद कोविड से अपन बच सकते हैं। तीसरी अपन को क्या करना है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के लिए अपन बाहर या कहीं भी आप खुले में अगर एक्सरसाइज करोगे तो अच्छी बात है। एक्सरसाइज के लिए अपन प्राणायाम, योगा, ये सारे अपन को करने हैं। और मोस्टली अपन को क्या करना है कि सफोकेशन से बचना है। सफोकेशन जहाँ भी हो, सफोकेशन जैसे अंडरग्राउंड में सफोकेशन होता है या कहीं कहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, वैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो फैक्ट्रियाँ मोस्टली बंद है, बट अपन को सफोकेशन कहीं भी हो, जैसे घर में भी सफोकेशन होता है, तो सफोकेशन वाली जगहों से बचे। सफोकेशन जगह से अपन बचने से क्या होगा कि अपन को एक खुली और फ्रेश एयर मिलेगी और उसको लंग्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। और मोस्टली अपन को क्या करना है कि घर पे काढ़ा लोग पीते हैं तो उस काढ़े को भी अपन को पीना है। काढ़े में अपन लौंग, इलायची, तुलसी, अदरक, इनका एक अपन घरों पे सबको पता है कि काढ़ा कैसे बनाया जाता है, तो उस काढ़े को अपन को यूज करना है। और काढ़े को अपन को दिन में 3 टाइम पीना होता है। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपन वैक्सीनेशन सबको करवाना है, और वैक्सीनेशन ही अभी अपन को लिए इफेक्टिव है, और वैक्सीनेशन सबको करवाना है। जो भी सरकार ने 45 डेज काउंसलिंग की है उसके अकॉर्डिंग अपन को सबको वैक्सीनेशन करवाना है। गांव, गली, मोहल्ला, किसी भी को भी अपन को बिना वैक्सीनेशन के नहीं रहना है। अब ये तो सारी काउंसलिंग होगी, अब मोस्टली एक अपन को एक और चीज़ का ध्यान रखना है, सोने की पोजिशन कैसी होनी चाहिए। कोविड के अंदर हॉस्पिटल के अंदर अभी बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, और अभी जो कंडीशन आप सभी को पता है कैसी पेंडेमिक कंडीशन है। अपन को रात को सोते टाइम एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, सोते टाइम अपन प्रोन पोजीशन सो जाओ, जिसको अपन उल्टा पोजीशन बोलते हैं। अपन उल्टा सोने से क्या होता है कि लंग्स को मेच्योरली एयर अंदर प्रोवाइड होगी, और एयर है ना जो लंग्स के अंदर काफ़ी टाइम तक स्टोर होके रहेगी। उल्टा सोने का ये बेनिफिट है कि लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ताकि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्सीजन का जो भी प्रोसेस होगा वो अपना 16 सेकंड से ज़्यादा होगा, ताकि ऑक्सीजन लंग्स के अंदर ज़्यादा रहे। अब अपन को ये कोविड की ये जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन या बेसिक आपको ये नॉलेज दिया है, इसको अपन को क्या है कि हर एक बंदे को समझाना है। क्या क्या समझाना है मैं वापस आपको रिपीट करना चाहता हूँ। फर्स्टली जब सुबह उठो तो गर्म पानी से गरारे करने हैं। सेकंड अपन को क्या करना है, मॉर्निंग में या इवनिंग में दोनों टाइम में अपन को क्या करना है, स्टीम इनहेलर लेना है जो गर्म पानी से, गर्म भाप से अपन ले सकते हैं। उसके अंदर अपन तुलसी डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, ताकि अपन को एक अच्छी सी स्मेल आए और अच्छे से लंग्स अपन को
मजबूत हो। तीसरा अपन को क्या करना है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज अपन को खुले में करनी है, घर पे अगर छत पे करो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं पार्क में कर सकते हो। चौथा है अपन को प्रॉपर जो भी अपन को डाइट ले रहे हैं, डाइट को अपन नियमित रूप से डाइट लें। डाइट के लिए अपन कभी भी है ना ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, डाइट भरपूर मात्रा में लें। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो वैक्सीनेशन करवाना है वो वैक्सीनेशन ही अपन को प्रॉपर करवाना है, जो 45 एज से अबव उनकी वैक्सीनेशन करवाना है। और मोस्टली लास्टली है अपन को रात को सोते टाइम प्रोन पोजिशन में सोना है, इससे अपन को लंग्स भी मैच्योर होता है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी जो न्यूली कोविड आया 2021 में, इसमें जो है तो इसमें क्या है कि ओल्ड एज वालों को तो नुकसान है ही है, बट साथ के साथ अपने ये जो न्यू यूथ वाले हैं जो 20 से एज से अबव है उनको ये भी ये मोस्टली इफेक्टिव कर रहा है, उनके भी लंग्स को डैमेज कर रहा है। ये जो लंग्स डैमेज होने वाली जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि जो एल्वोलीज होती है वो कोलेप्स होने लग जाती है, और कोलेप्स हुई एल्वोलीज उसमें क्या होता है कि एयर का ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है, एयर ट्रांसप्लांट नहीं होगी तब और जो लंग्स है वो डैमेज होने लग जाते हैं। तो ये जो क्रोनिक स्मोकर्स हैं या जो डायबिटिक हैं या जो अस्थमेटिक हैं, ये जो भी अपने ओल्ड जो भी ओल्ड डिजीज हैं इन सबको ये मोस्टली अफेक्टिव कर रहा है कोविड। अपन इन सब से बचने के लिए अपन को ये जो घरेलू उपाय हैं जो अपन ने ये एक्सप्लेन किए हैं उन्हीं को आपको इन्वॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। जो भी 45 एज से अबव है उनको वैक्सीनेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, तो इस वैक्सीनेशन में लोगों की थिंकिंग होगी कि इसमें से अपन को बुखार आता है, इसमें से कमजोरी आती है, बट ये जो भी सारी चीज़ें होती है जो साइड इफेक्ट अपन बोलते हैं ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक अपन इम्यून बूस्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन होता है बॉडी का। तो अपन को ये जो वैक्सीनेशन के प्रति ये जो भ्रामक की न्यूज़ आ रही है या जो भ्रामकता फैल रही है उसको अपन को ख़त्म करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपन को वैक्सीनेशन करवाना है। कोई भी गली में 40 एज से अबव है उनको अपन को वैक्सीनेशन ही करवाना है, एक वैक्सीनेशन ही इससे अपन को कोरोना से अपन बच सकते हैं। ओल्ड एज वाले और न्यू एज वाले दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप गवर्नमेंट की दी हुई हर एक गाइडलाइन का पालन करें, गवर्नमेंट की जो सोशल डिस्टेंसिंग है मास्क पहने प्रॉपर एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, और रेगुलर अपन जब भी बाहर जाएं या घर के अंदर जब भी आएं तो अपन हैंड वॉश करना है। अब मैं आपको अपने एनजीओ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये जो नर्सिंग सेवा संस्थान है इसका मेन मोटिव है कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइड जो भी फैसिलिटी हो अपन को गरीब बच्चों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना, गांव-गांव में जाके गली गली में जाके जो भी गरीब बच्चे होते हैं उनका इलाज करवाने के लिए अपन को उनका बेसिक इन्वेस्टिगेशन करना, उनका ट्रीटमेंट करवाना, ये सारे एनजीओ का अपना गोल है। अपन इस रुक अब मैं आपको अपने एनजीओ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अब जो हमारा एनजीओ है उसका मेन गोल है कि अपन जो भी गरीब बच्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट करवाना। दूसरा मोटिव है अपन जो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, जिसमें अपन गांव-गांव गली-गली में जाके अपन कैंप लॉन्च करते हैं, और कैंप के अंदर जो भी गरीब बच्चे होते हैं जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं उनको अपन उनकी डिटेल लेके अपन उनको इलाज एनएसएस के थ्रू करवाते हैं। तीसरा मोटिव है अपन ये वुमन एजुकेशन करवाना, जो आज भी आपको पता है कि जो मोस्टली वुमन्स होती है जो कपड़ा यूज करते हैं पीरियड्स के टाइम, अपन उनको फीमेल स्टाफ के थ्रू अपन उनको सैनिटरी पैड प्रोवाइड करवाते हैं। अपना मेन मोटिव है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। आप भी हमारे एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, जो दी गई स्क्रीन पे जो मेल आईडी है आप उस पर मेल करें और फ्री में अपनी एनजीओ की मेंबरशिप लें। आप कोई भी हेल्थ केयर एक्टिविटी करोगे वो आप जो करोगे आपको अच्छा लगेगा। आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।